एलएसी पर शस्त्र पूजा राजनाथ सिंह करने वाले हैं। देखिए शस्त्र पूजा के लिए थोड़ी देर में एलएसी पर वो उसकी शुरुआत करेंगे। इस वक्त मौजूद हैं सिक्किम में, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। आपको बता दें रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी मौजूद यहां पर रहने वाले हैं। अभी फिलहाल सिक्किम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजयदशमी का ये त्यौहार है, शस्त्र पूजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। उससे पहले जिन जवानों ने देश की सेवा में अपनी जान गंवाई है, उन्हें सिक्किम के श्रीराथांग में श्रद्धांजलि देते हुए, वहीं पर सिक्किम के श्रीराथांग में देखिए शस्त्र पूजा उनकी ओर से की जानी है। विजयदशमी का आज त्यौहार है। अभी से कुछ देर पहले मोहन भागवत की भी तस्वीरें आई थी, जब उन्होंने संबोधन यहां पर किया था, और आज रक्षा मंत्री भी वहां पर सिक्किम पहुंचे हैं देखिए, और एलएसी का दौरा बाकायदा करेंगे। शस्त्र पूजन भी उनकी ओर से किया जाएगा। शस्त्र पूजन जब होगा तो उस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो भी उनके साथ मौजूद यहां पर रहेंगे। सेरेथेंग ये जगह है जहां पर अभी जो शस्त्र पूजा का पूरा कार्यक्रम है होगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमसे कुछ ही देर पहले की तस्वीरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिन्होंने शस्त्र पूजा की थी। आरएसएस का स्थापना दिवस भी है आज, और कई मुख्य मुद्दों पर उन्होंने बात की कि किस तरह से भारत ने कोरोना के इस मुश्किल वक्त में एकदम डटकर उसका सामना किया। और ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य शिविर यहां पर है दार्जिलिंग और सिक्किम की दो दिनों की यात्रा पर। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और फॉरवर्ड पोस्ट जो है वहां पर उनका दौरा भी उनकी ओर से किया जाएगा। सैनिकों से बातचीत भी वो वहां पर करेंगे। शस्त्र पूजा यहां पर की जाएगी। और उसी के साथ आपको बता दें जो ये यात्रा है यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, इस दौरान सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की ओर से जो बुनियादी ढांचा परियोजना है उसका भी शुभारंभ, एक तरह से जो उद्घाटन है वो यहां पर किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। दो तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की और उसके बाद अब वहां से रवाना हो गए हैं। तस्वीरें यहां पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब शस्त्र पूजन जो है वो यहां पर करेंगे। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वांगे हरचंदनं कुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भीड़वद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल। तो पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहां पर जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख पा रहे हैं, सिक्किम में वो मौजूद हैं, जहां पर शस्त्र पूजा का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो यहां पर जारी है। राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे वो भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें इससे पहले मनोज मुकुंद नरवणे ने जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सुकमा कॉर्प्स का दौरा भी बाकायदा किया था। दूसरी तस्वीर मोहन भागवत की हम आपको दिखा रहे हैं, हमसे कुछ ही देर पहले उन्होंने भी शस्त्र पूजन यहां पर किया था। सरकार के काम की तारीफ की कोरोना के वक्त में और बताया कि किस तरह से कोरोना के चलते कई ऐसे मुद्दे हैं जो दब गए। भद्रं पसेमाथिरंगेमेंदु शरदो अंतिदेवा यत्रा न शक्का जर संतनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति बाणो मध्यारिखतार्युगन्तो अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विशे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तियन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विषे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन् महान् गणाधिपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एकदंतं चतुर्हस्तं पाशं अंकुशधारिणं रथं च वर्धं हस्ते बिभ्राणं मूसभुजं रक्तलंबोदरं सूतकड़कं रक्तवास्तं रक्तगंधानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणं अच्युतं आविर्भूतोऽत सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रथम पतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय भरतमूर्तये नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अध्यसी ब्राह्मणोऽस्ति द्वितीय द्वितीय प्रारब्धे श्रीसे द्वारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतिमे युगे कलिगे कल्पितंत्रणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भ्रतखण्डे पश्चिम बंगाल प्रदेशे सुकना क्षेत्रे त्रिशक्ति कोर प्रांगणे भारतवर्षे रक्षा मंत्री श्रीयुत राजनाथ सिंह करकमले शस्त्र पूजनम कारिष्ये। ओम पुरुष एवेदगुम सर्वं यथोतम यच भाव्यम उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वौदयित पुरुषः पादोशेहा भवतु नः ततो विघुं व्यक्तामस्तासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिचत पश्चात्तोमिमतो पुरः तस्माद् ज्ञा सर्वहुता संवृतं त्रिखदा जम्म पशूंसा चक्रे वायव्य नारण्या ग्राम्यास्ते श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम चंदनम समर्पयामि। अक्षन्नमी मदंता हेव प्रिया अधूषका अस्तो सत सभानव दिप्रा नविषयामति योजानवींद्रके हरि अलंकारार्थे अक्षतान समर्पयामि। ओम औषधे प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरी अश्वा इव सजित्वरे देरुधः पार इष्टमः पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पान्ते धूपम्। ओम धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं योऽस्मान् धुर्वतितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानामसि वहनितमग्धुं सशितमं प्रपितमं युषितमं देवहूतमं मा धूपं माघ्रापयामि। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं माघ्रापयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरूतद यद्वैश्यः पद्भ्यांगं शुद्रो वजायत। वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपान्ते दीपम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्रा वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाढ देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षं शिष्टो देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पुराचमनीयं मध्ये पानीयं करप्रक्षलनार्थे मुखप्रक्षलनार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम
जमेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि कथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं समंत पर्याय स्यात् सार्वभौमः तो देखिए यहाँ पर शस्त्र पूजन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और एलएसी का दौरा जो वहां पर है वो किया जाएगा बाकायदा। ये इस वक्त पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लगातार चीन और भारत के बीच में खींचतान लंबे वक्त से जारी है। आपको हम दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शस्त्र पूजा यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें सिक्किम के शेरथेंग में ये जगह है जहां पर ये बाकायदा देखिए हमारे संस्कृति के हिसाब से तमाम जो वक्त होता है पूजा अर्चना का उसका बहुत महत्व होता है। इसी वक्त को यहां पर तय किया गया था 9:30 बजे तक के इस वक्त को जिसमें पूजा अर्चना यहां पर की गई। बाकायदा इससे पहले मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा की शुरुआत की गई थी। तमाम यहां पर हथियारों की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, शस्त्र पूजन यहां किया जा रहा है। आपको बता दें एक तरह से ये कड़ा संदेश चीन के लिए भी है क्योंकि इस बीच विवाद जो है बहुत ज्यादा लंबा बढ़ता हुआ जा रहा है एलएसी पर चीन के साथ में, क्योंकि वो अपनी हरकतों से चीन जो है वो बाज आता हुआ नजर नहीं आता है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको